Hello everyone, welcome to the IFS. So, welcome to our new IFS BSC channel. तो आप सबका IFS में बहुत बहुत स्वागत है. हम आज देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो सभी को पता है कि BSC के सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में आप VSEPR थ्योरी सीखते हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीखते हो और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखते हो. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारा कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन का पार्ट इसमें होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो यहाँ पे आपको कुछ एस ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे. जो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन कंसेप्चुअल पॉइंट यही है कि अगर आपको दो सेपरेट एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है तो वहां पे अगर दो हाइड्रोजन एटम्स है और दो हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. एक हाइड्रोजन का वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल का कोई ऑर्बिटल ले लो जो हाफ फिल्ड है, मतलब उसमें एस ऑर्बिटल है तो हाफ फिल्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा. ऑर्बिटल है तो हाफ फील्ड का मतलब है वहां पे तीन इलेक्ट्रॉन होंगे. तो हमें ऐसे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चूज करने हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग करनी है तभी बॉन्ड फॉर्म होगा. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अस दैट देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच आर ऑफ सिमिलर सिमेट्री, सिमिलर ओरिएंटेशन एंड दे फॉर्म बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होने वाली है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली हाफ होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एस ऑर्बिटल यहाँ आपको दिख रहा है तो दिस वन एस ऑर्बिटल इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. दूसरा एस ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है एंड देयर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन दीज टू एस ऑर्बिटल, तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करते हैं एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर इसका मतलब होता है वन बॉन्ड. वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है. जब कोई दो एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो बॉन्ड होता है सिग्मा टाइप का. तो दिस इज अ सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्ड वो होता है जहां पे ऑर्बिटल के बीच में अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल This is the z-axis and s orbital is along the z-axis. अब ये एक हाइड्रोजन का s orbital है, दूसरे हाइड्रोजन का s orbital भी along the z-axis है. अगर ये दोनों along the same internuclear axis अगर overlapping हो रही है तो इनके बीच में जो bond form होगा along the axis, along the internuclear axis जो bond form हो रहा है, जो overlapping हो रही है वो along the axis हो रही है, right? तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ये जो एक्सिस है यही है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि इसी एक्सिस के ऊपर दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस प्रेजेंट. और जब ये ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हो रही है मतलब उसमें एक्सिस भी इंक्लूडेड है, तब वो बॉन्ड होता है सिग्मा टाइप का. सिग्मा टाइप बॉन्ड इज दैट बॉन्ड इन विच टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द एक्सिस. ठीक है, इसी टाइप के बॉन्ड को एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग. सो सिग्मा बॉन्ड के बारे में अभी हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं पे आपको आता है तो ओवरलैपिंग इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सेकंड पॉइंट क्या है वहां पे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी इसे बोला जाता है. एंड थर्ड पॉइंट जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप हो सकता और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है. अब ये SS टाइप की ओवरलैपिंग आपको पता है. अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. दूसरा टाइप का सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म होगा जब कोई S ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा P ऑर्बिटल के. अब देखो दिस S ऑर्बिटल इट इज आल्सो प्रेजेंट अलोंग द Z एक्सिस. सपोज दिस P ऑर्बिटल इज आल्सो प्रेजेंट अलोंग द Z एक्सिस, मतलब ये PZ हो गया. अब ये दोनों उसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस होल एक्सिस इज जेड एक्सिस और ये जो ओवरलैपिंग हुई है दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, राइट?
मतलब वो ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, एक्सिस भी इंक्लूड है देखो, तो ये भी हो गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पी ऑर्बिटल के एक लोब में इलेक्ट्रॉन आ गया और इन दोनों के ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब एस एंड पी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ रहा है सबको? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओवरलैपिंग बिटवीन टू ऑर्बिटल ये तभी पॉसिबल होता है जब उनका साइन सेम हो, साइन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल अगर आपको दिया है, दिस इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब होल द एस ऑर्बिटल इज पॉजिटिव साइन, होल एस ऑर्बिटल कंटेन पॉजिटिव, मतलब वो सिमेट्रिक है। अगर आपको पी ऑर्बिटल पता है तो पी ऑर्बिटल के एक लोब में हम पॉजिटिव साइन देते हैं और दूसरे लोब में हम निगेटिव साइन। अब ये साइन क्या डिनोट कर रहे हैं? हर एक इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन होता है। अब वेव फंक्शन वो डिटरमाइन करता है कि वो लोब का साइन क्या आएगा। एक लोब में वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है और दूसरे लोब में वेव फंक्शन का साइन निगेटिव है। तो ये साइन कौन डिटरमाइन कर रहा है? वेव फंक्शन। ओवरलैपिंग की द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर आपको बॉन्ड फॉर्म करना है, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है, देन द ओवरलैपिंग शुड हैपन बिटवीन सेम साइन लोब। तो ये एस ऑर्बिटल का पॉजिटिव साइन है और पी ऑर्बिटल का ये जो लोब है ये पॉजिटिव साइन वाला है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होके कुछ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, राइट? बाद में हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए और ये निगेटिव। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये फॉर्म हुआ है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए विद इन अ सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप होना बहुत जरूरी। अब ये हमने देखा दूसरे टाइप का सिग्मा ऑर्बिटल। पहले टाइप का सिग्मा ऑर्बिटल क्या था? बिटवीन वन एस ऑर्बिटल एंड अनदर एस ऑर्बिटल, तो ये एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड हो गया। दूसरा टाइप का सिग्मा बॉन्ड क्या था? वन एस ऑर्बिटल इज देयर, अनदर पी ऑर्बिटल इज देयर, सो बिटवीन एस एंड पी जो फॉर्म हुआ वो दूसरा सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट, तीसरा सिग्मा बॉन्ड देखो, बोथ द ऑर्बिटल्स आर पी ऑर्बिटल, बट द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट सिग्मा बॉन्ड के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो ये जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सपोज दिस इज अलोंग pz एक्सिस, तो दूसरा भी ऑर्बिटल यहाँ है वो भी pz एक्सिस के अलोंग ही प्रेजेंट होना चाहिए और उनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो इट शुड बी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग तो होगी ही, बट हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? साइन ऑफ द लोब। तो हियर इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ दिस p ऑर्बिटल, हियर इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ अनदर p ऑर्बिटल। तो अगर इन दोनों p ऑर्बिटल के में बॉन्ड फॉर्म करना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को हमें क्लोज लाना पड़ेगा, ना कि पॉजिटिव एंड निगेटिव को। तो इसी तरह ये कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा इन दोनों को कंबाइन करके। देखो ये निगेटिव वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, ये दो पॉजिटिव वाले अब कंबाइन हो गए और ये निगेटिव वाला हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल वहां पे फॉर्म होती है, राइट। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है। अब सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है देखो, तो दिस एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब ये जेड है और ये सपोज पी एक्स ऑर्बिटल है, क्या आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड, और ये भी सपोज आपका पी एक्स ऑर्बिटल है। तो पी एक्स ऑर्बिटल दोनों के एक्सिस पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या देखा था? पी एक्स एक अगर ऐसा है तो दूसरा पी एक्स भी ऐसा ही होगा और अलोंग द एक्सिस वो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, राइट। तो बोथ दीज ऑर्बिटल्स दे आर प्रेजेंट इन वन लाइन, वो एक लाइन में प्रेजेंट है और अलोंग द एक्सिस उन्होंने ओवरलैपिंग की। अब क्या हुआ, दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है,
एक अगर स्ट्रेट लाइन में है तो दूसरा भी उसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में होगा और वहां पे सेम साइन के लोग ओवरलैपिंग दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पी ऑर्बिटल हमने देखा है, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन। दूसरे पी ऑर्बिटल का सपोज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो विद इन अ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स वहां पे ओवरलैपिंग होता है, विद इन निगेटिव निगेटिव लोब वहां पे ओवरलैपिंग होता है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो यह है हमारे क्या एक्सिस है, बट इस एक्सिस के ऊपर एक बड़ा लोब फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव को कंबाइन करके फॉर्म हुआ है। नीचे एक लोब फॉर्म होता है जो कि निगेटिव निगेटिव को कंबाइन करके हुआ है। और इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे बोला जाता है पाई बॉन्ड। तो ये बन गया है आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वेरी इजी। सिग्मा बॉन्ड हमने तीन टाइप के देखे है, वन बिटवीन एस एंड एस ऑर्बिटल, सेकंड बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल, थर्ड बिटवीन पी एंड पी ऑर्बिटल। अब ये पाई बॉन्ड जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, बोथ द एक्सिस शुड बी पैरेलल टू इच और उनके सेम साइज सेम साइन के लोब में ओवरलैपिंग होने से वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये तो देखा हमने कि बॉन्डिंग कैसे होती है, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है, कौन सा मॉलिक्यूल है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल पता है, कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताओ मुझे कि जिसमें सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो ही एटम है, उसे दो लिगेंड्स प्रेजेंट है। कुछ ऐसे एग्जांपल पता है आपको कि बीच में एक एटम प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में दो एटम्स प्रेजेंट, मतलब तीनों एटम लीनियर हो गए, ऐसा कुछ पता है आपको? Yes, BeCl2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड्स अटैच है, ये डिटरमाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट ना। तो सपोज यहाँ पे लिगेंड वन लिगेंड टू है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया दो, मतलब मेटल के सराउंडिंग में दूसरे दो एटम्स प्रेजेंट है, या फिर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दूसरे दो एटम्स प्रेजेंट है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर दो है, कोई लोन पेयर नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल है, तो वहां पे ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, लीनियर ज्योमेट्री होती है, राइट। कोई लोन पेयर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर दो है, और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। सपोज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंस शेल होती है जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, उस वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, यह हमें पता है। अब जब उस कार्बन को मीथेन फॉर्म करना है, मतलब उसे चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, तो कार्बन को अगर चार बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो कार्बन को वैलेंस शेल में से अपने चार ऑर्बिटल यूज करने होते, और वो चार ऑर्बिटल कौन से यूज करेगा इसके ऊपर डिपेंड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सपोज अमोनिया फॉर्म करना है, NH3 करना है, तो वो नाइट्रोजन अपने कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज करेगा इसके ऊपर डिपेंड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दो है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पे दो है और ज्योमेट्री लीनियर है, तो इस लीनियर ज्योमेट्री में दो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं, दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो दो ऑर्बिटल यूज करने, और वो ऑर्बिटल हम कौन से चूज करेंगे, हमें ये पता है एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का है हमारे पास। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल के कितने टाइप होते हैं बताइए, पी ऑर्बिटल के कितने टाइप है हमारे पास, तीन टाइप है, px, py, tz, तो p के टोटल थ्री टाइप से हमारे पास, d ऑर्बिटल के टोटल कितने टाइप से हमारे पास, d ऑर्बिटल के टोटल फाइव टाइप से, tx, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz। तो पहले आता है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल खत्म हो गया, फिर आएगा p ऑर्बिटल,
पी ऑर्बिटल खत्म हो गया, फिर आएगा डी ऑर्बिटल। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो हमें दो ऑर्बिटल की जरूरत होती है। पहला तो एस ऑर्बिटल आता है और दूसरा इन तीनों पी में से कोई एक पी आ जाएगा और वो हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है एस पी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है तो हमें थ्री ऑर्बिटल की जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक तो एस ले लिया। अब बाकी के कौन से लें? बाकी के दोनों भी हमें पी ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, तो ये बन गया एस पी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो एक एस ले लिया और तीन पी ले लिया। अब इसकी एक दूसरी केस है, अगर आपकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो वहां पे डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो पहले डी ऑर्बिटल आता है बाद वाले। अब चार में से एक ऑर्बिटल तो गया, तीन ऑर्बिटल बाकी है, तो एक एस ले लो और दो पी ले लो। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है तो ये बन जाएगा एस पी थ्री। अब तो पी भी खत्म हो गया, बाकी क्या है? फिर एस आ गया, तीन पी आ गए, टोटल फोर हो गए। एक डी ऑर्बिटल यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो यहाँ पे एस पी थ्री डी टू, इस तरह का कुछ लेना पड़ेगा, राइट? तो जितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं या फिर बॉन्ड प्लस अगर उस सेंट्रल एटम के ऊपर कुछ लोन पेयर है तो उतने हमें ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो इंक्लूड होते ही है, प्लस इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ लोन पेयर। सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है प्लस उसके ऊपर कितने लोन पेयर है, इनकी टोटल जो आएगी ना उतने ऑर्बिटल आपको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं NH3 का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, वो थ्री हाइड्रोजन के साथ थ्री बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो बॉन्ड कितने फॉर्म किए? थ्री। लोन पेयर कितनी है? वन। थ्री प्लस वन हो गए फोर। तो उससे हाइब्रिडाइजेशन के लिए फोर ऑर्बिटल की जरूरत होती है, तो वो हो जाएगा एस पी। इस तरह से हम ये ढूंढते हैं कि कौन से ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड, राइट? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आपको लोन पेयर देखनी है कितनी है, कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं ये देखना है, उन दोनों की एडिशन करो, उतने ऑर्बिटल ले लो और मिक्स कर दो, वो हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब और एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आप सॉल्व करके देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको H2O मॉलिक्यूल दिया है, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ बॉन्ड कितने फॉर्म किए हैं ऑक्सीजन ने? दो बॉन्ड फॉर्म किए, एक इसके साथ एक इसके साथ। लोन पेयर कितनी है? दो लोन पेयर है। तो टोटल क्या हो गया? टोटल इन दोनों का हो गया फोर। यानी कि अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें चार ऑर्बिटल आने चाहिए। पहला तो एस आता है और बाकी के तीन पी ऑर्बिटल आता है, तो ये फिर से हो गया एस पी, ठीक है? अगर मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे रही हूँ, अगर मैं आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि जहाँ पे तीन लोन पेयर है, जहाँ पे तीन लोन पेयर है और टू बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, तो टोटल कितना हो गया? फाइव। यानी कि वहां पे आ जाएगा एस पी थ्री। इस तरह की कई सारी ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से हम डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब ऊपर आपको जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है दैट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है, तो वो हो जाएगा एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड। तो वन एस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल, टोटल हो गए थ्री, और यहाँ पे तीन बॉन्ड ही फॉर्म कर रहे हैं उससे। नीचे वाला मॉलिक्यूल देखो, इसने चार बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो उससे चार ऑर्बिटल की जरूरत है, यानी कि एस पी हाइब्रिडाइज्ड हो गया वो, ठीक है? तो इसी तरह नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर का जो मॉलिक्यूल है उस सेंट्रल एटम ने वहां पे फाइव बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो वो आ जाएगा एस पी थ्री। यहाँ तक फोर हो गए, और एक हमें चाहिए, मतलब एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट? यहाँ पे क्या आने वाला है? एस पी थ्री डी। सो वन प्लस थ्री प्लस वन, ये कितने हो गए? फाइव ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पे नीचे जो दिया है आपको,
यहाँ पर सेंट्रल एटम ने 6 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो ये हो जाएगा sp3d2. सो 1+3+2=6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये तो हमने जनरल एग्जांपल देखे, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ऑन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ट्रांजिशन मेटल एटम दिया है और वो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है। अब आयन का हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं क्लोरीन के साथ FeCl6 और उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस है। इसी आयन का अगर हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं साइनाइड के साथ, दैट इज FeCn6 एंड 4-, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, इन दो कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, मतलब किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, मतलब किसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है? ये हमें ढूंढना होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड। चलो लेट अस सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज FeCl6 4-, FeCl6 4-। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 क्लोरीन के 6 नेगेटिव चार्ज हो गए और आयन के 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो टोटल मिला के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। आयन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे आयन +2 का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? सो 3d6 एंड 4s2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। तो डी ऑर्बिटल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें हम फिल करते जाते हैं, तो वो कैसे हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट आने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने पड़ेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, तो ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। Now we have to find hybridization of Fe2+ plus this complex is paramagnetic or diamagnetic, इसमें unpaired electron है या नहीं है? अगर इसमें unpaired electron आते हैं last में, तो ये paramagnetic हो जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो ये diamagnetic, okay? तो अब देखो ये है आयन का 3d orbital, इसके बाद जो s orbital होता है वो empty है, इसके बाद जो p orbital होता है 4p वो एम्प्टी है, और उसके बाद जो 4d ऑर्बिटल होगा वो भी एम्प्टी है। अब आयन के ऑर्बिटल में 6 क्लोराइड आयन एंटर कर रहे हैं और हर एक क्लोरीन के पास अपने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। हर एक क्लोरीन को एक आयन का एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये क्लोरीन क्या करता है, बाहर के जो ऑर्बिटल से इसमें से 6 ऑर्बिटल चूज करता है और हर एक ऑर्बिटल में एक एक क्लोरीन, सपोज मैं क्रॉस से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 क्लोरीन ने 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए। ये हमेशा याद रखना कि लिगैंड को एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, ठीक है? अब यहाँ लिगैंड क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख याद रखो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं असर पड़ रहा? क्योंकि क्लोरीन के पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सके, तो वो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं और बाहर के ऑर्बिटल जो एम्प्टी पड़े हुए है उनमें जाके क्लोरीन चुपचाप बैठ जाते हैं, तो उनमें जो भी ऑर्बिटल यूज किए है वो बन जाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन गया है sp3d2, तो ये हो गया FeCl6 4- में सेंट्रल आयन का हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। अब यहाँ पे जो हो रहा है ना वो इस वाले कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइनाइड प्रेजेंट है। द मोर पावरफुल लिगैंड वो क्या करता है, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये जो आयन के ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है उनकी ही पेयरिंग करवाता है, क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब ये तो क्रिस्टल फिल थ्योरी में आएगा, बट पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऑब्जर्व किया था कौन से लिगैंड अंदर के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं,
कौन सा लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते। अब जो भी लिगेंड एज इट इज जाके बाहर के ऑर्बिटल में बैठ जाते हैं और वो बाहर के सारे ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उन्होंने सारे आउटर ऑर्बिटल यूज किए। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस क्लोराइड लिगेंड ने अंदर के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहने दिए, मतलब वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 है, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पे। और एक बात, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है, जिन्होंने बाहर के ऑर्बिटल यूज किए हैं, अंदर के एज इट इज है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये समराइज कर लेते हैं हम, इसके समरी में क्या क्या आएगा देखो। इफ द लिगेंड इज क्लोराइड, तो इट फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है वहां पे, हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3d2। वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के पास वो एज इट इज रहते हैं, तो दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैरामैग्नेटिक सम। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है पैरामैग्नेटिक, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें हमने प्रेस की। अब ऐसी बात नहीं है कि एक ही क्लोराइड के लिए ये सब एप्लीकेबल है, अगर आपका लिगेंड कोई भी हैलोजन हो, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, उस सारे हैलोजन्स के लिए यही अप्लाई है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। अब ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें क्लोराइड है। अगर आपके लिगेंड कार्बोनिल है या फिर साइनाइड है, कार्बोनिल एंड साइनाइड अगर लिगेंड, तो इनके पास इतनी पावर होती है कि वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उनकी ही पेयरिंग करवाते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज वी हैव Fe(CN6) और यहाँ पे चार्ज है 4-, तो Fe is present in again +2 oxidation state, तो यहाँ आयन की oxidation state बन गई +2, यानी कि हमारा जो आया था 3d6 electronic configuration। 3d orbital के बाहर हमेशा कौन से orbital empty होते हैं, कौन से होते हैं, 3d के बाहर 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, these are empty orbital। अब 3d orbital में 6 electron fill करो, ये 3d orbital है, यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 3, 4, 5 and 6, ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p ऑर्बिटल। अब 6 साइनाइड लिगेंड्स आ रहे हैं और वो साइनाइड लिगेंड क्या करेंगे, ओरिजिनल आयन के इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करवा देंगे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर फॉर्म कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर फॉर्म कर रहा है, तो रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ देखो, इसके रिजल्ट में यहाँ पे आ गया है, ये ऑलरेडी ओरिजिनल पेयर थी, ये न्यू पेयर बन गई, ये न्यू पेयर बन गई और ये दो एम्प्टी रह गए, ये 4s तो एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है, तो दिस इज 3d 4s एंड 4p। तो अब साइनाइड को ये अंदर वाले d ऑर्बिटल भी तो मिल गए, तो यहाँ पे एक साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे एक और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो साइनाइड ने ये 6 ऑर्बिटल अभी ऑक्यूपाई किए हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आप बताइए, क्या आएगा उसका, d2sp3।
तो अगर कोई लिगैंड इतना पावरफुल है कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है, तो वो लिगैंड और वो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि जो अनपेयर्ड थे, जो सिंगल सिंगल थे, उनकी तो पेयरिंग हो गई, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखो आप, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वो पैरामैग्नेटिक होता। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। अनदर थिंग, मुझे बताओ, डी ऑर्बिटल यहाँ 3D के यूज हुए है या 4D के यूज हुए है? कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुए? 3D के हुए, मतलब इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए, तो इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3D के डी ऑर्बिटल साइनाइड लिगेंड ने यूज किए हैं, तो ये बन गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पिछले वाले एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, देखो इस एग्जांपल में 3D एंड 4s में से, 3D एंड 4D में से 4D के ऑर्बिटल यूज हुए थे, 3D के नहीं हुए थे, तो ये बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ बाहर के डी ऑर्बिटल यूज किए। और नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो ये बन गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी अगर समरी बनाना चाहते हैं हम, अगर इसकी समरी बनानी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइनाइड क्या कर रहा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा रहा है, राइट? तो साइनाइड हो चाहे कार्बोनिल हो, वो मेटल के जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करवाता है, तो वो बन जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर डी ऑर्बिटल यूज किए तो ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2SP3। क्या आया है? D2SP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट? अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, मतलब स्पिन कम हो गया, तो इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये बन गया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये बन गया आपका डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब किसी भी मेटल में कितना पैरामैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, वो कितना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हमें बताती है मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, और उसका यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉन, और मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिक्टेड बाय म्यू, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये समरी के पॉइंट अच्छे से याद रखो। देखो, ये जो हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला है, इसी को स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पेयर फॉर्म की, तो ये बन गया है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें आप याद रखो। ऐसे ही इसी सीरीज के लेक्चर फिर हम आपसे मिलने आएंगे। तब तक आप IFS के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हम जब भी हमारा लेक्चर वहाँ पे पोस्ट करे वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग।